अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शुमैला वेरसा हर्बलिस्ट। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केयर क्योर ब्यूटी। हमारी एक बहुत अच्छी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझसे फाइब्रॉइड के हवाले से, यूटेराइन फाइब्रॉइड के हवाले से पूछा था, और भी इस हवाले से काफ़ी क्वेश्चन मुझे रिसीव होते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बात करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसका चूँकि ट्रीटमेंट जो है वो इसके डिज़ीज़ के हिसाब से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बताना इसकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि फिर ख़वातीन उन चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू करती हैं, खुदा ना खास्ता जो कि ये हार्मफुल भी होते हैं इसमें से कुछ। जब इसकी डायग्नोज की जाती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि आपके यूट्रस के अंदर जो गैर तबई तब्दीलियाँ आ चुकी हैं या जो गैर तबई ग्रोथ हो चुकी है वो है कहाँ पर, आया वो यूट्रस के अंदर है, यूट्रस के मुंह पे है, या फिर आपकी जो नालियां हैं उसकी तरफ है, तो ये सबसे पहले जाना जाता है। सेकंड नंबर पे ये देखा जाता है कि क्या इनकी शक्ल शुबाहत है, क्या इनका टेक्सचर है, क्योंकि फाइब्रॉइड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। वैसे ही कह देना कि हो सकता है कि आपको ये वाली हो, आप ये वाला इस्तेमाल कर लें, तो यूटराइन फाइब्रॉइड जो है ये थोड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसके अंदर रेशे पाए जाते हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है। शक्ल शुबात में भी अगर ये देखा जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म की घूमड़ की ट्यूमर की शक्ल में लेकर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनके अंदर इस तरीके की रेशे होते हैं कि जैसे आपने तारों के साथ एक दूसरे को बांध दिया गया हो। सो मोस्टली जो है ये वाले कैंसरिक फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनको हम बड़े केयरफुली ट्रीट किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो एलोपैथिक के अंदर इलाज है, और अगर इनिशियल स्टेज पे हो तो हर्ब्स के साथ इलाज हो सकता है, लेकिन अगर एक वक्त होता है उसके बाद अगर चीज़ आपके हाथ से निकल जाए तो फिर डेफिनेटली इसका सर्जरी ही इलाज है। इसके अलावा भी अगर बाकी जो फाइब्रॉइड्स होती हैं छोटी मोटी, जो कि समटाइम वजाइना के मुंह पे बन जाती हैं, समटाइम यूट्रस में बन जाती हैं, तो वो फाइब्रॉइड्स मेडिसिन के थ्रू या लेज़र के थ्रू उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनको जलाया जा सकता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम होता है जिसके अंदर ये काम किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, इनकी ग्रोथ हो जाए, क्योंकि जो यूटराइन फाइब्रॉइड है ये बहुत तेज़ी से चलना शुरू कर देती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता करते जो है पता उस टाइम चलता है जब ये अपने पीक पे होती हैं, और उसके बाद ये अपनी जड़ें जो हैं पूरी बॉडी के अंदर ये फैला चुकी होती हैं। तो इसलिए जिन भी चीज़ों का इलाज आप लोग करवाएं, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर कहती हूँ आप लोगों से कि इस तस्काहे रहम जो है ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, हार्मोनल इशू छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, आप इस तरफ तवज्जो नहीं देती हैं, आगे चल के ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, चांसेस बहुत हद तक होते हैं। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करती रहें, आपकी हेल्थ सबसे पहले, आपकी अपनी जान सबसे पहले होती है, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं कि इस तस्का हो गया, यानी जैसे हम PCOS कहते हैं या PCOD कहते हैं, तो उस सूरत में इन चीज़ों को अक्सर ख़वातीन जो हैं वो सिर्फ रेमेडीज़ यूज़ करने पे रहती हैं। खैर है, हमें तो डॉक्टर के पास जाने से डर लगता है, खैर है घर में करेंगे सेट हो जाएगा, तो खुदा रहा इस तरीके की काम ना किया करें। सबसे पहले आपकी हेल्थ है, आप लाजमन एक चेकअप करवा लें ताकि आगे चल के आपको ये मसला ना हो, क्योंकि ये जो यूटराइन फाइब्रॉइड होती है, यकीन मानिए मेरी अपनी सामने एक केस जो है हमारे बहुत ही क्लोजेस्ट में गुज़रा है, और मींस के देख के आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जिस पे गुज़र रही होती है वो कैसे बर्दाश्त करता होगा, क्योंकि ये कैंसरिक चीज़ होती है, और कैंसर पेशेंट जो हैं रात के टाइम उनको नींद नहीं आती है, ठीक है, उनके लिए सोना अजाब होता है, मतलब यूँ समझ लें कि एक तरफ पेन हो रहा होता है, एक तरफ नींद आ रही होती है, तो ना दर्द सोने देता है और ना नींद ऐसी होती है कि इंसान सुकून से कर सके। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि अपना ख्याल ज़रूर रखा करें, ऐसे नहीं कि छोटी छोटी रेमेडीज़ की तरफ, बड़े बड़े बीमारियाँ होती हैं छोटी छोटी रेमेडीज़ की तरफ आप लोग चल पड़ते हैं। PCOS का PCOD का ट्रीटमेंट मैंने शेयर किया हुआ है, वो आप चाहें तो मार्केट से आप इजीली अवेल कर सकती हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लाजमन हक बनता है आपका कि आप जाएं
और एक अच्छे किसी हर्बलिस्ट से, किसी डॉक्टर से इस चीज़ का पूछें, ट्रीटमेंट लें, उनसे डिस्कस करें, उसके बाद कोई स्टेप उठाएं। ऐसा नहीं है कि बस अपनी सेल्फ मेडिकेशन जो है बहुत बुरी चीज़ है। सो होपफुली कि यूटराइन फाइब्रेट के हवाले से आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, और मेरी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको कभी ऐसी कोई मुझी बीमारी ना लाए जिसका हमें इलाज पता ना हो। अल्लाह ताला ने तो डेफिनेटली इलाज जो है वो हर चीज़ का रखा है सिवाय मौत के और बुढ़ापे के, लेकिन हमारी समझ या हमारी साइंस या हमारी चीज़ें जो हैं उससे थोड़ी दूर हैं, अभी तक उस लेवल पर नहीं पहुंची। लेकिन बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए जिनकी गोद अभी तक हरी नहीं है, अल्लाह ताला उनकी गोद भी हरी करे। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।